नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को बुरे तरीके से हिलाकर रख दिया है। इसकी वजह ये है कि कहां 370 जीतने की बात हो रही थी, लेकिन चुनाव में पार्टियों का जो रथ है वो 240 पर ही रुक गया। अब बहुमत नहीं मिलने की वजह से बीजेपी तो समीक्षा ही कर रही है, साथ ही साथ उससे जुड़े RSS ने भी समीक्षा बैठक की है। उनमें से उन वजहों पर चर्चा की गई है जिनकी वजह से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में RSS की समीक्षा बैठक हो रही है। पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिनों की बैठक का आयोजन किया गया है और यहां बैठक में गुरुवार यानी 27 जून यानी कल दूसरा दिन था बैठक का, और बैठक में शाखाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। वहीं संघ चाहता है कि वह दलितों और पिछड़ों में पैठ बनाने की रणनीति पर काम करे। माना जा रहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह दलित पिछड़ों के वोट का खिसकना रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उसे लेकर संघ काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। संघ इस बात को मान रहा है कि पिछड़े और दलितों का वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ खिसका है, जिसकी वजह से बीजेपी का चुनाव में दुर्दशा होनी तय हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि संघ अपने संगठन के पदाधिकारियों को इस लोकसभा चुनाव में शिथिलता और उदासीनता को लेकर चिंतित है। कहा गया है कि यूपी में बीजेपी RSS के बीच समन्वय नहीं हुआ था। समीक्षा बैठक में शाखाओं के लगने में हो रही कमी को लेकर भी संघ के अधिकारियों के बीच चिंता जताई गई है। इस विषय पर चिंतन प्रक्रिया जारी है। इस बैठक में पदाधिकारियों में सुझाव मांगे गए हैं। RSS ने सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं बैठक के पहले दिन में संघ की पूर्वी क्षेत्र में अवध, काशी, गोरख और कानपुर प्रांत के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं संघ के बहुत सारे लोगों ने भी भाग लिया, जहाँ उनके पदाधिकारियों को संबोधित करने की उम्मीद थी। सूत्रों की अगर माने तो बैठक के बाद बीजेपी सरकार के साथ में बैठक भी होगी और इसमें जितने लोग शामिल हो सकते हैं वो होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के भीतर भी समीक्षा बैठक का दौर लगातार जारी है, साथ ही RSS के साथ बैठक की भी तैयारी की गई है। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने भरे मन से ये ऐलान किया था कि बीजेपी की कुछ खामियां हैं, जैसे मणिपुर को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहीं ना कहीं कड़ी निंदा भारतीय जनता पार्टी की थी। ऐसे में माना जा रहा था कि RSS और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने RSS को दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर से RSS ने जिस तरीके से समीक्षा बैठक बुलाई है, फिर से माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब RSS किस तरीके से फैसला लेता है बीजेपी को लेकर, या बीजेपी क्या किस तरीके से रुख अपनाती हुई नजर आएगी। आपका इस पे क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।